मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी का सहयोग पिछले कई वर्षों से मुझे मिल रहा है। आप मुझसे मिलने का प्रयास करते हैं और मैं आपसे मिलने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। इसी कड़ी में मैं आप सभी से मिलने के लिए दुबई आ रहा हूं, जहां पर आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं 11th, 12th और 13th जून को, जहां पर आप और हम मिलकर आपकी जन्म कुंडली में आपकी समस्याओं को खोजेंगे और आध्यात्मिक उपायों के द्वारा आपके जीवन को संवारने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी इस विशेष कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। इसके लिए आपको एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं, वहां संपर्क करके आप उससे मिलने का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। 9715082830 24। जन्म कुंडली विश्लेषण। आप सभी हमारे प्रिय दर्शक ये चाहते हैं कि टेलीविजन के माध्यम से या और किसी माध्यम से आपकी जन्म कुंडली को हम विश्लेषण करके दिखाएं। आमतौर पर मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से शहर, नाम और पहचान को गुप्त रखता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को बेवजह जो है वो बिना उसके चाहे उसे फेमस किया जाए। लेकिन आज हमारे एक प्रिय दर्शक हैं जो चाहते हैं कि हम उनका नाम टेलीविजन पर दें। उनका नाम है चिमन लाल सावलानी और ये एक व्यवसायी है और ये चाहते हैं कि मेरा नाम टेलीविजन पर लिया जाए। मुझे बड़ी खुशी होगी। ये 48 वर्ष यानी 48 ईयर ओल्ड सुपारी और पान मसाले के प्रसिद्ध व्यापार के प्रसिद्ध व्यापारी हैं। प्रसिद्ध व्यापार क्यों है? क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है हिंदुस्तान के अंदर लोग पान मसाले और गुटखा और इस प्रकार की चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं और ये प्रसिद्ध व्यापार के प्रसिद्ध व्यापारी भी हैं। तथा इनका पान मसाला गुजरात से तो बिलोंग करते हैं, लेकिन वहां ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में भी बहुत सारी जगहों पर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और काफी इसमें फेमस भी हैं। इनके पान मसाले का अपना ही एक अलग जायका है, ये इनका कहना है, क्योंकि मैं पान मसाला खाता नहीं हूं इसलिए मुझे नहीं पता है। इनकी जान पहचान में किसी को पान मसाले के अधिक सेवन से कैंसर भी हो गया, बहुत सारे लोगों को कई तरह की तकलीफ हो गई, तब से ये बहुत व्यथित हैं। वे चाहते हैं कि इस व्यापार की बजाय दूसरा व्यापार मैं क्या शुरू कर सकता हूं। पहला प्रश्न, ये मार्गदर्शन चाहते हैं कि कौन सा व्यापार आपके लिए हितकर रहेगा। इनका दूसरा प्रश्न है कि आपने एक पुत्र को जन्म दिया है और पुत्र के संबंध में ये चाहते हैं कि मेरा पुत्र मेरा व्यवसाय संभालेगा या मेरे अलावा कोई दूसरा व्यवसाय वो शुरू करेगा। जाहिर सी बात है कि उत्तराधिकारी जो है वो पुत्र ही होता है और हर माता पिता चाहते हैं कि हमने जिंदगी में जो कुछ भी संघर्ष करके हासिल किया है वो हमारे बच्चे संघर्ष कम से कम करें और बेहतर हमसे ज्यादा तरक्की करें। तो ये दो प्रकार की चीजें, एक तो पान मसाले का व्यापार करते हैं, बहुत तरक्की कर चुके हैं, उससे इनको किसी को बीमारी होने की वजह से तकलीफ हुई है तो ये चाहते हैं मुझे व्यवसाय बदलना है। दूसरा पुत्र, आइए देखते हैं कि जन्म कुंडली के ग्रह नक्षत्र क्या है, इनके ग्रहों का खेल, या ये जानने की हम कोशिश करते हैं इस जन्म कुंडली के माध्यम से। ये जन्म कुंडली इस वक्त आपके सामने है, मिथुन लग्न, देखिए 3 नंबर जो लिखा हुआ है वहां से जन्म कुंडली शुरू होती है। मिथुन लग्न जिनके लॉर्ड हैं बुध, बुध को हम बुद्धिमान कहते हैं, जो कि व्यापार के भी कारक हैं। मैं कई बार अपने राजस्थानी कहावत में कहता हूं कि थावर कीजिए थापरा, बुध कीजिए व्यापार। जब बुध मजबूत हो तो इंसान ऑटोमेटिकली व्यापारी बनता है। तथा बुध यहां पर 9th हाउस यानी लग्नेश बनकर, 9th हाउस जो कि भाग्य का होता है, बड़े डेस्टिनी का होता है, आपके लक का होता है, उसमें विराजमान है। देखिए जहां 11 नंबर लिखे हुए, हम ब्लैक करके थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं आपको बेहतर और साधारण भाषा में समझाने की। तो लग्नेश चले गए 9th हाउस में और साथ में 5th लॉर्ड शुक्र, 3rd लॉर्ड सूर्य के साथ लक्ष्मी नारायण योग। 5th लॉर्ड का मतलब है कि जहां पर 7 नंबर लिखे हुए हैं उसके लॉर्ड भी यहां पर शुक्र बनते हैं, वो भाग्य स्थान में आ गए। और 7 नंबर जहां लिखे हुए संतान का घर भी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 3rd हाउस जो कि पराक्रम का होता है, कॉन्फिडेंस का होता है, सूर्य की तरह यदि आप चमकना चाहते हैं तो उसकी तरह तपना भी सीखना पड़ेगा। तो यहां पर सूर्य देखिए 3rd हाउस के लॉर्ड होकर 9th हाउस में विराजमान है, तो बड़ा सुंदर एक तो बुध आदित्य योग बनता है जो कि बुद्धिमान बनाता है और बिजनेस माइंडेड बनाता है, और साथ में उत्तम राजयोग कारक बनता है शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग, जिसकी शुभ स्थिति के कारण बिजनेस की जो स्किल है, काबिलियत जो है, वो इनमें कूट कूट के भरी हुई है। क्योंकि भाग्य स्थान में इतना सुंदर राजयोग, ये बहुत
कम लोगों का नसीब होता है। अब यहां पर पराक्रमेश यानी थर्ड हाउस के जो लॉर्ड सूर्य के साथ इन्हें साहस प्रदान किया, कॉन्फिडेंस दिया, जो कि बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। अब यहां पर सूर्य की अपनी राशि सिंह है और सिंह राशि पर दृष्टि के बारे में मैं बताना चाहूंगा। जैसे मेरी आंखें इस वक्त कैमरे को देख रही है और आपकी आंखें टेलीविजन को देख रही है, या फिर आप घूमते फिरते कोई काम कर रहे हैं तो कहीं और देख रही है, तो हम सीधी दृष्टि से देखते हैं। उसी प्रकार ग्रह नक्षत्रों को, जिसमें सूर्य चंद्रमा को सिर्फ सातवीं दृष्टि दी गई है, तो इस दृष्टि के कारण बिजनेस भी बहुत बड़ी स्केल पर शुरू किया और सफल भी हुए। कैसे? देखिए 11 से लेकर 5 की तरफ एक एरो जा रहा है, यानी कि सूर्य 9th हाउस में बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं। अपना नुकसान कोई नहीं करता है, वो नुकसान करता है तो वो मूर्ख है, पागल हो सकता है, बाकी समझदार इंसान वो नहीं कर सकता है। तो और साथ में लक्ष्मी नारायण योग ने बिजनेस से खूब धन वर्षा की। भाग्य स्थान में घटित इन शुभ योगों के कारण किस्मत का भी खूब इनको साथ मिला। एक आंशिक छोटा सा ग्रह दोष जो कि बुध के साथ हुआ है, वह नवमांश में उसका नीच राशि में केतु के साथ होना, क्योंकि हम जब भी जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं जरूरी होता है तो नवमांश कुंडली आपको दिखाते हैं, अदरवाइज हम खुद विश्लेषण करके आपको पॉइंट बता देते हैं, जिसके कारण दोष की शांति भी हो चुकी है। यही कारण है कि सफलता के लिए शिखर पर पहुंचकर एक छोटी सी घटना के कारण इन्होंने बिजनेस चेंज करने का मानस बना लिया है। लेकिन आप कोई भी बिजनेस कर लीजिए, आपको तरक्की ईश्वर ने लिख दी है, तरक्की मिलना आपको तय है, क्योंकि इतना सुंदर राजयोग बनता है। बढ़ते हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ कि इन्होंने पान मसाले का ही व्यापार क्यों शुरू किया। नजर डालते हैं 10th हाउस पर, जो कि हमारे कर्म का होता है। देखिए जहां पर 12 नंबर लिखे हुए हैं वह कुंडली का 10th हाउस होता है। इस 10th हाउस में शनि और चंद्रमा का विष दोष घटित हो रहा है। विष यानी जहर, हम सांप को कितना ही बेहतरीन दूध पिला दें, कुछ और नहीं बनेगा, सिर्फ जहर बनेगा। तो यह पान मसाला में तंबाकू का प्रयोग होता है और लिखा भी रहता है कि तंबाकू इज इंजीरियस टू हेल्थ, यानी आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। तो हुआ ना विष का व्यापार यानी जहर का व्यापार। इस व्यापार को परवान चढ़ाने की स्वीकृति मिली देवताओं के गुरु बृहस्पति से, जिनका 10th यानी कर्म स्थान और उस पर संबंध है नौमी दृष्टि का। कैसे, आइए देखते हैं। 10th हाउस जहां 12 नंबर लिखे हुए उसके लॉर्ड देवताओं के गुरु बृहस्पति बनते हैं और 4 से 12 की तरफ एक एरो जा रहा है, जो कि आपको बताएगा कि देवताओं के गुरु बृहस्पति अपने ही घर को देखते हैं। जो व्यापार करोगे, जो कर्म करो, उसमें तरक्की आपको जरूर मिलेगी, लेकिन विष का व्यापार आपने किया। यहां पर कर्मेश बनते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति, जो कि मैंने कहा कि धन भाव में उच्च राशि के विराजमान है, तथा धन योग भी यहां पर आपको मिल रहा है, यानी जो भी आप काम करेंगे उसमें धन आपका जरूर जुटेगा। या बृहस्पति ने व्यापार भाव यानी 7th व कर्म भाव के 10th के लॉर्ड होकर धनेश चंद्रमा से अति उत्तम परिवर्तन राजयोग भी घटित किया है। कैसे? जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ और 12 नंबर लिखा हुआ, इन दोनों के लॉर्ड बनते हैं बृहस्पति। बृहस्पति चले गए चंद्रमा के घर में और चंद्रमा आ गए बृहस्पति के घर में, यानी कर्म और व्यापार के लॉर्ड धन भाव के लॉर्ड कर्म स्थान में। आप आंख बंद करके कोई काम करेंगे तो आपको तरक्की जरूर दिलवाएगा, लेकिन हमेशा काम ऐसा करिए, पैसा जरूर कमाइए, लेकिन किसी की आत्मा को या शरीर को ठेस पहुंचाकर कोई भी काम करना लंबे समय तक हितकारी नहीं रहता है। अब यहां पर गुरु उच्च राशि के होकर वर्गोत्तम भी है, यानी आपके नवमांश में भी वो सेम राशि के होते हैं, तो वर्गोत्तम नवमांश कहलाता है। यह ग्रह स्थिति सारी दास्तान बयां करती है कि जिस प्रकार पान मसाले के आप बेताज बादशाह बने, गुरु की चंद्रमा पर नवमी दृष्टि यहां सुंदर गौरी योग का सृजन कर रही है। चंद्रमा व गुरु 10th हाउस पर गुरु की दृष्टि के कारण इन्होंने आश्रम, धर्मशाला, स्कूल आदि बनवाने पर धन खर्च किया और इसी गुरु ने इन्हें किसी अपने को तड़पते देख संवेदनशील बनाया, तथा व्यापार में परिवर्तन हेतु इनका मन परिवर्तित हो रहा है, हृदय परिवर्तित हो रहा है। बढ़ते हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ। अब देखिए इनकी जन्म कुंडली में अति सुंदर काहल योग भी घटित हो रहा है। बहुत कम लोगों को इस योग के बारे में होगा। देखिए कैसे, लग्नेश बनते बुध, वो शनि की राशि में, भाग्येश शनि गुरु की राशि में और गुरु उच्च राशि के हो तो घटित हुआ काहल योग। देखिए लग्नेश आ गए शनि के घर में और शनि चले गए देवताओं के गुरु बृहस्पति के घर में, केंद्र में। इस काहल योग में जन्मा जातक प्रसिद्ध भाग्यवान, लक्ष्मीवान और परोपकारी होता है। धन खूब कमाइए, उपभोग करिए, एंजॉय करिए,
दान करिए, लोगों की मदद करिए, नहीं तो नाश हो जाएगा। बिना कपड़े गए थे और बिना कपड़े चले जाएंगे, सब कुछ यही रह जाएगा। और किसके लिए जोड़ रहे हैं? औलाद के लिए। तो पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बढ़ते हमारे चौथे पॉइंट की तरफ कि आपका एक प्रश्न है संतान से संबंधित भी था, तो मैं उसका जवाब दे दूं कि फिफ्थ हाउस में मंगल और केतु के अंगारक दोष के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, जहां सात नंबर लिखा हुआ है वो संतान का घर होता है, वहां पर मंगल और केतु साथ में बैठ जाए तो अंगारा मतलब जलाने का काम करता है और संतान इनके कहने में नहीं होगी तथा पुत्र इनके व्यवसाय में न आकर स्वयं का बिजनेस करेंगे। पिता पुत्र संबंध बहुत मधुर रहने की भी संभावना कम ही है, किंतु फिफ्थ लॉर्ड की नाइन्थ हाउस में बैठने से यानी शुक्र नाइन्थ हाउस में चले गए, पंचमेश शुक्र संतान के घर के लॉर्ड, तो आपको भाग्यशाली संतान मिलेगी। लक्ष्मी नारायण योग घटित कर विराजमान हुआ, इस योग से पुत्र कारक गुरु का उच्च राशि में विराजमान होना इनके पुत्र को सफल व्यवसायी जरूर बनाएगा और इनका पूरा साथ भी देगा, भले ही थोड़े बहुत मतभेद जरूर हो जाएं, लेकिन ओवरऑल पिता पुत्र के संबंध अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई व्यवसाय साथ में करते हैं तो एक बार मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। आज की मेरी कुंडली विश्लेषण का निष्कर्ष क्या निकलता है कि पिछले 15 नवंबर 2011 से शनि की ढैया और चंद्रमा और शनि के विष दोष के कारण व्यवसाय परिवर्तन का विचार तो आना ही था। एनीवेज, देर आए दुरुस्त आए, जून 2015 के बाद आप बिजनेस चेंज करेंगे, प्रारंभिक संघर्ष के बाद पुनः ऊंचाइयों को छू लेंगे, यह मेरा वादा रहा आपसे। अब आपके बिजनेस में दर्द दिया, अब दवा का काम यानी मेडिकल फाइनेंस बैंकिंग तथा स्कूलिंग बिजनेस में आप हाथ आजमाएं या जमीन के संबंधित काम में हाथ आजमाएंगे तो सफल होंगे। एक ही उपाय का सहारा लेना कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सांप की सेवा करिए, नागपंचमी के दिन विशेष पूजन करवाइए, दूध का बहुत ज्यादा लोगों को दान दीजिए और चार शक्ति कवच बनता है उसे सदैव के लिए गले में धारण कीजिए। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी का सहयोग पिछले कई वर्षों से मुझे मिल रहा है, आप मुझसे मिलने का प्रयास करते हैं और मैं आपसे मिलने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। इसी कड़ी में मैं आप सभी से मिलने के लिए दुबई आ रहा हूं, जहां पर आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं 11th, 12th और 13th जून को, जहां पर आप और हम मिलकर आपकी जन्म कुंडली में आपकी समस्याओं को खोजेंगे और आध्यात्मिक उपायों के द्वारा आपके जीवन को संवारने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी इस विशेष कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। इसके लिए आपको एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं वहां संपर्क करके आप मुझसे मिलने का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। 9715082830 24। सभी माता पिता की इच्छा होती है कि उनकी संतान उच्च शिक्षा प्राप्त कर श्रेष्ठ जीवन यापन करे, अमीर हो या गरीब, हर कोई अपने तरीके से बच्चे को पूर्ण रूप से शिक्षा दिलवाने के लिए कोशिश करते हैं, परंतु मेहनत के साथ साथ किस्मत का होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा संपूर्ण जीवन नवग्रह एवं 12 राशियों पर आधारित है। शनि ऐसा क्रूर ग्रह है जो बच्चों की शिक्षा प्राप्ति में अकारण बाधा एवं परेशानी पैदा करता है। यदि शनि प्रतिकूल स्थिति में है तो अनेक प्रकार के विलंबन उत्पन्न करता है, आत्मविश्वास में कमी, स्मरण शक्ति की कमी, एकाग्र चित्त की कमी, पढ़ाई में मन नहीं लगना, सब कुछ आते हुए भी परीक्षा स्थल पर भूल जाना या फिर भरपूर मेहनत के उपरांत भी यथेष्ट फल की प्राप्ति न हो पाना, यह सारी स्थितियाँ यदि आपके बच्चे में भी नजर आती हैं, तो घबराए नहीं, शीघ्र ही मंगवाए गुरुदेव द्वारा विशेष रूप से अभिमंत्रित संपूर्ण विद्या प्रदायक किट, जिसमें आप पाएंगे विद्यादायक सरस्वती यंत्र, अभिमंत्रित सरस्वती रुद्राक्ष, विद्या प्रदायक पोटली, सरस्वती उपासना पुस्तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02915190000 9826259314728165 दिल्ली 6542068 5 मुंबई 9324272446 नागपुर 9371073487 मनुष्य के जन्म के साथ उसके भाग्य की रचना हो जाती है, जिसमें उसके जीवन में घटित होने वाली छोटी बड़ी सभी घटनाओं को ईश्वर ने तय कर रखा होता है। आदिकाल से ऋषि मुनियों ने अनुसंधान कर भविष्य के गर्भ में देखने की शक्ति प्राप्त की
और इस प्रकार विश्व को मिला ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान जो 9 ग्रह 27 नक्षत्र 12 राशि और कुंडली के 12 भावों पर आधारित होता है, इस आधार पर यह हमें भविष्य के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी से कुंडली बनवाकर और कुंडली का परीक्षण करवाकर कितने ही लोगों ने अपने दामन को खुशियों से भर लिया। गुरुदेव कहते हैं कि ज्योतिष भाग्य नहीं बदल सकता, पर भाग्य को संवारा और सुधारा जा सकता है। दुख कटे आए जीवन में खुशहाली, जब कृपा करे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली। जन्म कुंडली आपके भविष्य का आईना है, ये बतलाती है कब और किस दिशा में होगा आपका भाग्योदय, आपका लकी नंबर, क्या आप मांगलिक हैं, आपका लकी कलर, आपका वाहन सुख, आपके लिए भाग्यशाली रत्न, आपके भाग्योदय कारक इष्ट देव, आपके जीवन की घटनाओं और दुर्घटनाओं की जानकारी, आपके विवाह योग या फिर कैसा होगा आपका दाम्पत्य जीवन, आपके स्वयं के मकान का सपना कब होगा साकार, यदि आप विद्यार्थी हैं तो कौन सा विषय चुने, कौन सी राशि आपकी मित्र राशि है, किस राशि से आपको हानि हो सकती है, आपको कैसा रोजगार या व्यापार अधिक फलेगा, क्या आपकी कुंडली में कोई दोष है या फिर आपको राजयोग है। गुरुदेव श्री सुरेश श्रीमाली जी के मार्गदर्शन में बनी इस जन्म कुंडली को जल्द ही मंगवाइए और अपने भविष्य को संवारिए, ठीक वैसे ही जैसे बहुत से लोगों ने अपना जीवन संवारा। जन्म कुंडली विश्लेषण। आज मैं 10 साल के बहुत ही ज्यादा शरारती एक लड़के की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूं, जो दिन भर मारधाड़ और मारधाड़ वाले ही कार्टून देखना, खुद तो मारधाड़ करता ही है, उनका जो एक्टिंग वो लोग टेलीविजन पे करते हैं वही एक्टिंग घर में करना, चीजों को तोड़ना और उन्हें फेंकना, कहना बिल्कुल भी नहीं मानना, बदतमीजी यानी बदतमीजी से हमेशा बात करना, माता पिता का रेस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता है, ना तो माता पिता के सामने करता है, ना और लोग घर में कोई मेहमान आ जाए तो उनके सामने भी बदतमीजी करता है और उसमें अपनी शान भी समझता है। उसकी डेली रूटीन है ये सारी चीजें। ये एक इकलौता बेटा है और पोता भी है, यानी इकलौता ही बेटा है और इनके जो दादाजी वो कहते हैं जी हमारे घर में और भी कोई औलाद है नहीं, ये एक ही पोता भी है। बीमार ये बहुत रहता है और दादा दादी इसे बहुत ज्यादा हैम्पर कर रखा है, किसी को कुछ कहने नहीं देते। एक दिन इसने खेल कूद में यानी कार्टून देखते वक्त, कार्टून की एक्टिंग करते करते अपने सर्वेंट को अनजाने में किचन का चाकू फेंक के मार दिया। किसी तरह उसकी जान बची, उसके घर वालों ने पैसे देकर मामला रफा दफा किया। पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हैं, पढ़ने में ये बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। वो कहते हैं जी हमारे घर में ऐसी औलाद कैसे आ चुकी है, हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे जीन्स में ये सारी चीजें नहीं है, पर ये बच्चा हमारे यहाँ से कैसे निकला, कैसे यहाँ पर, ऐसा इनका कहना है। बड़े परेशान भी रहते हैं और होना भी जायज है कि जहां पर खेल कूद मटर गस्ती हर बच्चे करते हैं, लेकिन 24 घंटे में से आप 16-17 घंटे यही काम करेंगे तो माँ बाप तो दुखी होंगे। क्लास से हमेशा शिकायत आती है, वे कहते हैं कि क्या यह कभी सुधर पाएगा और इसकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो देखते हैं कि इनकी जन्म कुंडली क्या कहती है और क्या है इनके ग्रहों का खेल। हर घर में देखिए बच्चे होते हैं, माँ बाप ये चाहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी संघर्ष किया हो पर हमारे बच्चे नहीं करें, हमसे बेहतर तरक्की करें। तो देखते हैं इनकी जन्म कुंडली में कुछ बेहतर है भी या नहीं है। ये जन्म कुंडली इस वक्त आपके सामने है, देखिए 4 नंबर से कुंडली शुरू होती है, जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है उसे हम जन्म लग्न कहते हैं। कर्क लग्न की कुंडली बनती है। कर्क लग्न वाले लोग होते तो कलाकार है, इसमें तो कोई दोरा नहीं, क्योंकि लग्न की लॉर्ड चंद्रमा है और चंद्रमा में 16 कलाएं हैं, तो ये कोई कलाकार से कम तो है नहीं बच्चा। देखिए कर्क लग्नी जो लोग होते हैं वो एम्बिशियस, इंटेलिजेंट, डिप्लोमेटिक और कुछ हद तक इमोशनल भी होते हैं। लेकिन आजकल का जो दौर चल रहा है, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि आप लोगों के पास एक मोबाइल है, अभी आपके हाथ में आसपास कहीं मोबाइल होगा, वो मोबाइल इससे पहले जो आपके पास था वो कम वर्जन वाला था,
मान लीजिए आप कोई मोबाइल यूज करते हैं, छह मान लीजिए सिक्स नंबर का है, पहले फाइव था फिर फोर था, सॉफ्टवेयर कम जो कमजोर थे अब वो अपग्रेड होते होते आपके पास मोबाइल आ रहा है। हम सबकी भी मृत्यु होती है, ईश्वर हमें नीचे भेजते हैं और वापस हमें ऊपर बुला लेते हैं मृत्यु के बाद और हमारी डिस्क को बिल्कुल मॉडिफाइड करते हैं और नए सॉफ्टवेयर डालकर अपग्रेड वर्जन के साथ हमें वापस भेज देते हैं। इसलिए हमारे बच्चे हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, यही कारण है। तो ये बच्चा भी बहुत हद तक इंटेलिजेंट जरूर है क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली है। सबसे पहले देखते हैं कि लग्न के लॉर्ड चंद्रमा, चंद्रमा पर देखे बिना हम कोई भी पॉइंट पर नहीं पहुंच सकते हैं, जो कि स्वग्रही होकर स्वग्रही मंगल के साथ टेंथ हाउस में विराजमान है। देखिए जहां चार नंबर और एक जिसको हमने ब्लैक करके दिखाया आपको, तो लग्नेश टेंथ हाउस में चले गए और टेंथ हाउस में कुल दीपक योग भी मंगल बनाकर विराजमान है और मंगल यहां पर दिक् बली भी बनते हैं। मंगल टेंथ हाउस में हो तो इंसान को कॉन्फिडेंट एनर्जेटिक एंथुजियाज्म जोश और जुनून। अब ये इतनी सारी हरकतें करना एक्टिंग करके बताना ये कॉन्फिडेंस के बिना तो हो ही नहीं सकता है। अदरवाइज बहुत सारे बच्चों में हुनर होता है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। ये कुलदीपक योग है। अब माँ बाप कहते हैं जी ऐसा कुलदीपक अगर होता है तो हमें नहीं चाहिए कुलदीपक, हमें ऐसे कुलदीपक के बिना ही हम रह लेंगे, क्योंकि आज की तारीख में तो ये कुल नाशक बन चुका है। कुलदीपक का तो रोल इसे प्ले नहीं किया अभी तक। तो टेंथ हाउस में मंगल विराजमान है, चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बड़ा सुंदर राजयोग बनता है। अब यहां पर स्वरशिष्ट मंगल होने के कारण यहां रोचक योग भी गठित हो रहा है। इतनी सुंदर राजयोग है, कुलदीपक और रोचक योग दोनों इतने महान योग हैं जो व्यक्ति को असाधारण प्रतिभा और क्षमता यानी फिजिकल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं उसको प्रदान करता है, किंतु साथ में एग्रेसिव। बहुत सारे लोग जो तोड़ फोड़ उद्यमी झूठ बोलना हमेशा मार पिटाई करना इस प्रकार, क्योंकि मंगल को सेनापति बोला गया है, सेना में वही आदमी जा सकता है जिसके अंदर ताकत है, कमजोर आदमी नहीं जा सकता है। और एग्रेसिव और वायलेंट नेचर भी देता है क्योंकि चंद्रमा जो कि मन मस्तिष्क का कारक है, मंगल जैसे अग्नि तत्व प्रधान, क्योंकि मंगल की अगर आप पिक्चर देखते तो लाल रंग की दिखती है, तो हमारे ज्योतिष में ऋषि मुनियों ने कहा है कि मंगल अग्नि प्रधान है और वो रक्त वर्णीय लाल रंग का है, वो अग्नि तत्व प्रधान ग्रह के साथ और अग्नि के साथ माफ करिएगा अग्नि राशि में बैठेंगे तो अहंकार क्रोध और नेचर में वायलेंस तो स्वाभाविक है जो इस बच्चे में कूट कूट कर भरा है। अब मंगल चंद्रमा की इस शक्ति का सकारात्मक उपयोग कर सिकंदर जैसा विश्व विजयी बना, मैं कोई सिकंदर की तारीफ नहीं कर रहा हूं लेकिन उसने सोचा कि मुझे विश्व पर विजय प्राप्त करनी बना, और नकारात्मक अगर यूज किया जाए तो सद्दाम जैसे लोग बनकर लाशों के ढेर भी बिछा सकते हैं। तो हमारे अंदर जो ताकत है उसको हमें कहां यूज करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव यूज करना है, इसका निर्धारण करने के लिए हमें फिफ्थ हाउस और उसके गुरु की पोजीशन को देखना पड़ेगा। अब समस्या क्या चल रही है, ऐसा क्यों है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा इस वजह से, अब पढ़ाई नहीं करता है उसके लिए हमें फिफ्थ हाउस में पहुंचना पड़ेगा। तो जहां पर आठ नंबर लिखे हुए हैं वो जन्म कुंडली का पंचम भाव होता है। फिफ्थ हाउस हमारे बुद्धि और हमारे विवेक का है, कॉमन सेंस का घर वैसे तो एट्थ हाउस होता है लेकिन पढ़ाई करने के लिए जो बुद्धि की जरूरत होती है वो फिफ्थ हाउस होता है। और गुरु शिक्षा के कारक रहे, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये हमारे गुरु जी है, जिसके पास जिनके पास हमारे से ज्यादा ज्ञान है वो हमारे गुरु है। तो फिफ्थ हाउस में है आठ नंबर, देखिए आठ नंबर जो लिखा हुआ है उसके लॉर्ड है मंगल और मंगल टेंथ हाउस में बैठकर फिफ्थ हाउस को अपनी आठवीं दृष्टि से देखते भी है। एक से लेकर आठ की तरफ एक एरो जा रहा है, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि मंगल अपने ही घर को देखते हैं। तो मैं ये तो मान नहीं सकता ये बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं है, हो सकता है कि आपका नेचर उसको सूट नहीं करता। जैसे हम कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता है, ये सेंटेंस तो बच्चा भी कह सकता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे माँ बाप हमारा कहना नहीं मानते हैं, क्योंकि आपने गुलाम तो पैदा किया नहीं है, आपने बच्चा पैदा किया उसको अपना अधिकार है, पर आपका सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, वेवलेंथ मैच नहीं कर रही है, इस वजह से तकलीफ आ रही है। तो मन भी पीड़ित और विवेक भी पीड़ित, क्योंकि वहां भी वायलेंस कम नहीं हो रहा है। अब एक उम्मीद गुरु से, तो देखिए गुरु भी केतु के साथ थर्ड हाउस में विराजमान होकर चांडाल दोष से पीड़ित हो गए हैं। जहां पर छह नंबर लिखे हुए हैं वहां पर देखिए देवताओं के गुरु बृहस्पति है, वो भी शत्रु राशि कन्या राशि में, फिर केतु के साथ और बैठ गए तो चांडाल दोष बन गया। अब केतु को कुंजवत अर्थात मंगल की तरह, मंगल का शैडो प्लेनेट है केतु, उसकी तरह माना तो वहां भी वायलेंस और कालसर्प योग भी इस कुंडली में बनता है। लगभग कालसर्प योग जैसा रिजल्ट मिलता है। आमतौर पर मैं
जब सारे ग्रह राहु से केतु के मध्य आ जाए तो काल सर्प योग 100% मानता हूं, जब केतु से राहु के मध्य आ जाए तो काल सर्प योग तो नहीं पर उसके अनुसार ही परिणाम देता है। तो सारे ग्रह देखिए केतु से राहु के मध्य आ गए तो एक तरफ ब्लैक दिख रहा है बाकी तरफ आपको ब्लैक नहीं दिख रहा है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा सारे प्लैनेट एक तरफ आ गए। तो ये दोष भी इस बालक को राजयोग विख्यात यानी फेमस होने की बजाय कुख्यात बनाने का योग यहां पर बनता है। इस बच्चे को नहीं संभाला गया तो ये बहुत बड़ी मुसीबत में खुद भी फंस सकता है और आपको भी फंसा सकता है। तीसरा पॉइंट, बीमार बहुत रहता है ऐसा दादा दादी ने कहा है, बार बार चोट लगती, कई टाके भी लग चुके हैं। तो देखिए लग्न में तीन पापी ग्रह, लग्न जहां चार नंबर लिखे हुए बुध सूर्य और शनि, अब इसके अंदर सूर्य जो है वो क्रूर माना जाता है और शनि पापी ग्रह, पर तीन ग्रह विराजमान है, इसमें एक क्रूर हो गए, एक पापी हो गए, एक सौम्य हो गए। और सेकंड हाउस के लॉर्ड सूर्य जो कि मार्केश है अपने से पीछे की तरफ आ गए और मार्केश बन जाते हैं, और सेवंथ लॉर्ड मार्केश व एट्थ लॉर्ड शनि जो कि अस्त भी है। अब यहां पर देखिए जो सेवंथ हाउस करियर का होता है, एट्थ हाउस कॉमन सेंस के, वो भी लगन में आ गए, वो भी सूर्य के साथ अस्त होने की वजह से, तथा ट्वेल्थ लॉर्ड बुध तो स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रख सकता है, पूर्णतः बालारेस्ट वाली कुंडली बनती है, शुक्र में राहु का अंतर और शनि की ढैया भी अभी परेशान इनको करती रहेगी 2 साल तक, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए ठीक हो सकता है। अब आज की मेरी कुंडली का निष्कर्ष क्या निकलता है कि पेरेंट्स की चिंता 100% स्वाभाविक है, कोई कुंडली इस कोई भी उम्मीद इस कुंडली में नजर कुंडली को देखा जाए तो नहीं आ रही है। अब मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं जिनका सहारा लेकर आप इस समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं। एक तो किसी पंडित जी से नहीं, सिर्फ मां संकल्प लेकर बच्चे के नाम से 1,25,000 महामृत्युंजय के जाप करेंगी, बच्चे को अमोघ महामृत्युंजय का कवच गले में धारण करवाइए। तो यह था इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण, 10 साल का बच्चा जिससे मां बाप का जीना हराम कर रखा है, पर इस बच्चे को मैं काफी हद तक ठीक कर दूंगा, यह मेरा वादा रहा आपसे। तो अगली बार ऐसे ही किसी जन्म कुंडली विश्लेषण के साथ आप सभी के समक्ष हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। मेरे प्रिय इंग्लैंड देशवासियों, आप सभी का सहयोग पिछले कई वर्षों से मुझे मिल रहा है और मैंने कई बार इंग्लैंड देश की यात्रा की है, इसी कड़ी में इस बार भी मैं इंग्लैंड आ रहा हूं। पिछली बार मेरी डेट चेंज थी और इस बार मैं 17 जून यानी 17 जून को लेस्टर, 18 जून को बर्मिंगम और 19, 20 और 21 जून को लंदन में रहूंगा, जहां आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप और हम मिलकर खोजेंगे आपकी समस्याओं का समाधान, वो समस्या चाहे आपके बिजनेस की हो, चाहे जॉब की हो, चाहे आपके एजुकेशन की हो, चाहे मैरिज की हो, मैरिटल लाइफ की हो, या और भी कोई समस्या हो सकती है, आपके ग्रह नक्षत्रों में आपकी समस्याओं को खोजेंगे और आध्यात्मिक समाधान आपको सुझाए जाएंगे। तो आप सभी का मुझे इंग्लैंड में अपनी यात्रा के दौरान इंतजार रहेगा, जरूर पधारिएगा। आप डेट एक बार और लिख सकते हैं, 17 जून को लेस्टर, 18 जून को बर्मिंगम, 19th, 20th और 21st जून को लंदन में रहूंगा। इसके लिए आपको एक अपॉइंटमेंट लेना होगा, जो टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं वहां संपर्क करके आप मुझसे मिलने का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सुख समृद्धि ऐश्वर्य चले आए आपकी द्वार, हर व्यक्ति के मन में सदैव यही इच्छा रहती है कि जैसे भी हो उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, उसके व्यवसायिक स्थल अथवा घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो। यदि आपके परिवार पर ऋण का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा हो, आपके घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा एवं तनावपूर्ण स्थितियां बनी रहती हो, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में उन्नति न हो पा रही हो, आय की अपेक्षा व्यय अधिक बना रहता हो, रोग ने घर में पैर पसार लिए हो, कुल मिलाकर घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान में हानि, परेशानी व चिंताएं बनी रहना, इन सभी समस्याओं का निराकरण है संपूर्ण सुख समृद्धि किट। यदि आप भी अपने घर एवं व्यवसायिक स्थल में स्थायी सुख संपत्ति, ऐश्वर्य व समृद्धि प्राप्त कर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही अपने घर में स्थापित करें प्राण प्रतिष्ठा युक्त अभिमंत्रित संपूर्ण सुख समृद्धि किट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912006259314728165 दिल्ली 6542068 मुंबई 93242724 नागपुर 93710734